अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो में हम पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है पोस्चर। जब आपका नेम अनाउंस किया जाए, आपकी टर्न हो, तो ज़रूरी नहीं है आप जल्दी से अपनी सीट से उठें और स्टेज की तरफ दौड़ें, बल्कि आप उधर ही बैठे रहें और अपने माइंड में 1 2 3 बोलें। 1 2 3 बोलने में कुछ सेकंड लगेंगे और आपको टाइम मिल जाएगा अपनी बॉडी को कंट्रोल करने में, पोस्चर को अडॉप्ट और कॉन्फिडेंटली उठ के स्टेज तक जाने में। अगर आपके आगे कोई टेबल है तो उस पर नेल मत करें, ये कैजुअल अप्रोच लगती है और आपकी एनर्जी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जेस्चर। आपकी हैंड मूवमेंट आपकी ऑडियंस के सामने बिल्कुल वैसे होनी चाहिए जैसे आप अपने फ्रेंड और अपनी फैमिली से बात करते हुए करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी ऑडियंस का साइज़ ज़्यादा है तो आप अपनी हैंड मूवमेंट को थोड़ा लार्ज कर सकते हैं। और हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस आप अपने आप को मिरर के सामने खड़े होकर, अपने आप को रिकॉर्ड करके या पब्लिक स्पीकर को नोट करके कर सकते हैं। और स्पीकिंग के दौरान ना तो अपने हाथ पीछे बांधें, ना उन्हें फोल्ड करें और ना अपनी पॉकेट में डालें। ये बहुत अजीब लगता है। और याद रखें, स्टेज पर जाके आपको इन सब टिप्स को अपने माइंड में रख के सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सब कुछ आपको पहले से प्रैक्टिस करना है ताकि ये आपकी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाए। और जब आप जाके पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाएं, स्टेज पे जाके आप बोलें, तो ऑटोमेटिकली आप ये सारा कुछ करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट बॉक्स में अपना व्यू देके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कर दिया? थैंक यू।